दोस्तों, बस का बिजनेस तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन बस का रूट परमिट कैसे मिलता है, बस कैसे और कहां से खरीदें, क्या कानूनी प्रक्रिया है, क्या जरूरी डॉक्यूमेंट लगेंगे, लागत एवं कमाई कितनी होगी आदि की पूरी जानकारी नहीं होने के कारण कई लोग बस का बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप बस का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको बस बिजनेस की लगभग पूरी जानकारी देने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं और एक एक टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। घर बैठे पैसे कमाने की टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो पहले नंबर पर बात कर लेते हैं बस बिजनेस शुरू करने से पहले जरूरी बातें। दोस्तों, पूरी प्रैक्टिकल जानकारी होना चाहिए। जैसे कि आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले बस कंडक्टर भी बन सकते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति को पार्टनर बनाएं जिससे बस का बिजनेस कभी किया हो या पहले से अनुभव हो। इससे ये होगा कि आपको बस के बिजनेस में कभी भी नुकसान नहीं होगा, उसका जो भी हानि लाभ होगा उसके बारे में आपको एक तरह का कैलकुलेशन आपके पास होगा। दूसरे नंबर का जो आपको करना है, जो दोस्तों रूट का सिलेक्शन बहुत ही सोच विचार कर करना होगा, क्योंकि रूट का सिलेक्शन इस तरीके से करना होगा कि वो जो रूट है उसमें भीड़ भी हो, साथ में ज़्यादा बस ना चलती हों। इससे ये होगा कि आपकी बस में कभी भी खाली नहीं जाएंगी और आपको जितना भी डीजल लग रहा है या फिर जितना भी आपका मेंटेनेंस आ रहा है वो पूरा पैसा आपको निकल जाएगा, और आपके जितने भी एम्प्लॉई हैं जो कंडक्टर हैं या फिर बस ड्राइवर है वो पैसा आपको निकल जाएगा। जब आपने इन दो बातों पर ज़्यादा ध्यान दे दिया है तो फिर आप बस के बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। ये दो ही बातें मेन होती हैं। बात कर लेते हैं ज़रूरी इंतजाम। दोस्तों, ज़रूरी इंतजाम की अगर बात करें तो पहली चीज़ है मैन पावर। देखिए, मैन पावर दो है, एक तो ड्राइवर आपको लगेगा, दूसरा आपको एक कंडक्टर से भी आप चला सकते हैं, या फिर कई बड़ी बसें रहती हैं इनमें आपको दो कंडक्टर का भी रखना पड़ेगा ध्यान। तो इस तरीके से ये मैन पावर हो गई। इसके अलावा अगर आप एक से ज़्यादा बसें हैं आपके पास तो बसेस वगैरह का इंतज़ाम करने के लिए, उनको अच्छे से रख रखाव करने के लिए, उनको क्लीनिंग करने के लिए, तो भी आपको एक हेल्पर की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ये ज़रूरी इंतजाम करना है, फाइनेंस का प्लानिंग करना होगा, क्योंकि ये फाइनेंस बहुत ज़्यादा इसमें पैसा लगने वाला है बस के बिजनेस में। लगभग 20 से 25 लाख में तो बस आती है एक बस। तो अगर आप इस बिज़नेस को अच्छे तरीके से लोन लेके, बस के बिजनेस में आप प्राइवेट से भी लोन ले सकते हैं किसी बैंक से, या फिर किसी सरकारी बैंक से भी आप लोन ले सकते हैं अच्छी सी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर, तो ये फाइनेंस का प्लानिंग भी आपको करना होगा। इसके अलावा जगह, दोस्तों अगर एक बस की बात करें तो उसे तो आप अपने घर के बाहर जो भी जगह है वहाँ रख सकते हैं, लेकिन एक से अधिक अगर बस में आप इंतजाम करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जगह आपको बहुत ज़्यादा लगने वाली है। तो इस हिसाब से आपको जगह की प्लानिंग भी करनी होगी। आपके बसेस के लिए, ऑफिस के लिए भी आपको जगह की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है दोस्तों ज़रूरी इंतजाम में, कि आपको लाइसेंस और परमिट की भी ज़रूरत पड़ेगी। लाइसेंस और परमिट के बिना आप इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब बस परमिट कैसे प्राप्त करें? दोस्तों, आप ये बस परमिट जो है जिस भी रूट पर आप चलाना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। जो भी आपका, अगर सिटी बस बात करें, पैसेंजर बस बात करें, स्लीपर बस करें, स्कूल बस, जो भी आप बस का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसके अलग नियम हैं, अलग कानून होते हैं। तो आप जिस भी तरीके के बस चलाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको बस का परमिट लगेगा। ऑनलाइन के लिए आप अपने स्टेट के व्हीकल डिपार्टमेंट की साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस लिंक को आप ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। आप इस तरीके से यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो आप उनकी वेबसाइट पर जाइए, इसी तरीके की वेबसाइट होगी ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट की, तो वहाँ पर आप अप्लाई करके ये बस परमिट प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप RTO ऑफिस जो आपकी होगी, आप RTO ऑफिस में जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि बस चलाने के लिए क्या क्या परमिट लगेंगे। इसके अलावा ये आपको लाइसेंस और परमिट लेने के लिए कुछ सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, मतलब डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है RC दोस्तों, दूसरा है फिटनेस सर्टिफिकेट आपकी गाड़ी का होना चाहिए, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आपकी गाड़ी का होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, PUC सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, या फिर आपकी कंपनी या फर्म रजिस्ट्रेशन की जो कॉपी है वो भी लगेगी। तो इतने डॉक्यूमेंट आपके पास अगर हैं तो आपका बस बिजनेस अच्छे तरीके से चल जाएगा।
आवेदन करने के बाद दोस्तों आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ ट्रांसपोर्ट ऑफिस बुलाया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये जो सर्टिफिकेट आपने या डॉक्यूमेंट आपने जो लगाए हैं ऑनलाइन, इनका ओरिजिनल लेकर भी आपको बुलाया जाएगा। तो वही सर्टिफिकेट या वही डॉक्यूमेंट लगाएं जिनका आपके पास ओरिजिनल कॉपी भी है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं लिंक पर जाकर, दूसरा आप ऑफलाइन आप RTO ऑफिस में जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या ट्रांसपोर्ट ऑफिस जो भी आपका राज्य का हो वहाँ पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये परमिट, बस का परमिट आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। दोस्तों एक बस की कॉस्ट लगभग 20 लाख से लेकर 2 से 3 करोड़ तक भी होती है। आप अपने बजट के हिसाब से बस खरीद लें तो आपके रूट्स पे अच्छे से चल पाए, क्योंकि आप अगर बड़ी बस ले लेंगे तो फिर वो आपके रूट पर नहीं चल पाएगी तो भी दिक्कत आएगी। तो आपको ये पूरा ध्यान रखना है कि जो बस आप खरीद रहे हैं वो आप जो रूट आपने डिसाइड किया उस रूट पर आप चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट, ये तो हो गया 20 लाख से 30 लाख में आपने एक बस ले ली, मैं एक बस का गणित बता रहा हूँ अभी आपको। इसके अलावा आपको कंडक्टर और ड्राइवर भी रखना पड़ेगा जिनकी सैलरी आपको हर महीने देनी पड़ेगी। मान के चलिए कि आपके जो कंडक्टर है उसको 20 से 25,000 दे सकते हैं या 15,000 भी देते हैं, कई लोग ड्राइवर को उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो आपके हिसाब से आपके एरिया में कितनी आपको इनकी सैलरी देनी होती है उस हिसाब से आपको देना होगा। डीजल प्रति किलोमीटर के हिसाब से भी आपको देखना होगा, क्योंकि डीजल पर किलोमीटर कितना लग रहा है। इस तरह से अगर आप दोस्तों बात करें तो इस बिज़नेस को लगभग 25 से 30 लाख रुपये में एक बस से शुरू कर सकते हैं। ये इसका मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं प्रॉफिट। अगर दोस्तों आपकी एक बस 100 किलोमीटर के रूट पर डेली 2 चक्कर लगाती है, जैसे कि उदाहरण के लिए ले लेते हैं आपके मध्य प्रदेश में आप शिवपुरी से गुना और गुना से शिवपुरी 2 चक्कर लगा लेते हैं, तो मान लेते हैं कि 100 रुपया आपका किराया है और उसमें मान के चलते हैं कि एक चक्कर में आपके 50 यात्री बैठे हुए हैं। इस तरह से अगर प्रति चक्कर बात करें तो 5,000 और 2 चक्कर में आप लगभग 10,000 रुपये की कमाई कर सकते हैं। मतलब पर डे आप अगर 2 चक्कर लगाते हैं तो 10,000 तक की कमाई आप आसानी के साथ कर सकते हैं। ये महीने का हो रहा है दोस्तों लगभग 3 लाख, लेकिन इसमें आपको खर्चे भी हटाने होंगे, जैसे कि डीजल है। अब मान के चलिए कोई बस कितना एवरेज दे रही है, हम उदाहरण के लिए ले चलते हैं कि 4 किलोमीटर अगर बस चलती है तो 1 लीटर डीजल लेती है। अभी 200 किलोमीटर इसको चलना है, ठीक है, 200 किलोमीटर चलना है और 50 लीटर लगभग अगर डीजल ये लेगी तो उसमें हो रहा है लगभग 4,500 रुपये डीजल आपका लगेगा इसमें। तो लगभग 1,35,000 आपका डीजल में जाएगा प्रति महीना, और 3 लाख का भी महीना हमारी कमाई हो रही थी। इसके अलावा सैलरी भी देख लेते हैं, ड्राइवर लगभग 25,000, ये कम ज़्यादा हो सकता है, कंडक्टर आपका 15,000, मेंटेनेंस भी 15,000। तो जब इन खर्चों को जोड़ेंगे तो लगभग 1,90,000 आपका टोटल खर्च हो रहा है एक महीने का। आपकी कमाई कितनी हो रही थी 3 लाख, 1,90,000 को अगर 3 लाख में से माइनस करते हैं तो लगभग आसानी के साथ 1,00,000 से 1.5 लाख रुपया प्रति महीना एक बस से कमा सकते हैं। यही अगर आपके पास 10 बस हैं तो आप देख लीजिए 10 से 15 लाख भी कमा सकते हैं। तो इस तरीके से बस का बिजनेस हमेशा ही प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है, इसमें आप कितनी भी कमाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूट पर चला रहे हैं और कितनी आपके पास सवारी हैं, तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना होगा कितना मेंटेनेंस है आपके पास, कितना कंडक्टर है। तो इस तरीके से सभी प्लानिंग करके आप आसानी के साथ 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप बस कैसे और कहां से खरीदें। तो बस खरीदने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े दोस्तों मैन्युफैक्चरर हैं, आप वहां से आसानी के साथ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कई ट्रक भी खरीदते हैं, कई बस भी खरीद सकते हैं, कई मैन्युफैक्चरर हैं, तो वहां से आप आसानी के साथ खरीद सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर ये वीडियो आपको बस की वीडियो में कुछ भी अगर और भी डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करूंगा। इसी वीडियो में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। बस के बिजनेस से संबंधित कुछ भी आपका डाउट है या फिर जो हम इधर कवर नहीं कर पाए हैं, मैं आपको जरूर आपको क्वेरी सॉल्व करूंगा। ये वीडियो आप कैसी लगी आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, क्योंकि इसी तरह की बिजनेस की वीडियो हम डेली अपलोड करते रहते हैं और आपका लाइक और कमेंट ही हमें बताता है कि हमने वीडियो कैसा तरीका बनाया है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक फिर एक नए बिजनेस वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो।